यस yes, हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून हाई गुड आफ्टरनून इक्कीस दिसंबर को रजिस्ट्रेशन करवाया था तीन हज़ार रुपये बुक के अभी तक बुक नहीं मिली है कोथिया uh, चिंतन जी आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दो है मैं आपको ऑफिस से कॉल करवाता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा श्रेष्ठा जी एकदम बढ़िया हाँ जी गुड आफ्टरनून <coughs> क्या बोल रहे हैं किस्सू है ना यस मुझे लगा कि मेरा पढ़ा पढ़ा नाम है है ना आपने जनवरी में सी दिया था क्या मैंने बोला था ना कि भाई सी कैसे देना है तरीका मैंने आपको बताया था

जिसमें आपको घर वालों ने सोसाइटी वालों ने बहुत डराया होगा टेंथ अच्छे से कर लो ट्वेल्थ अच्छे से कर लो वगैरह वगैरह ठीक है इस टाइप की चीजें चलिए लिंक्स आ गई है आपके सबके ग्रुप में क्या बोल रहे हैं सीएस में गणित नहीं होता है शिल्पी जी सीएस में मैथ्स नहीं होता है चिंता मत करो है ना सी एस में मैथ्स नहीं होता है चिंता मत करो हाँ जी है हाँ ना करिश्मा जैन ये पहला 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 पहला, पहला लेक्चर है ठीक है ऑडिबल है विजिबल है है हाँ ना एक ही मिनट मुझे आप देंगे है हाँ ना तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके नोट्स वगैरह आपके सामने लेके आऊँ हाँ है ना बेहतरीन वाले नोट्स मैं आपके सामने लेके आऊँ मैं आपको क्या पढ़ाने वाला मैं पता है ना कैप्शन तो पढ़ ही लिया हुआ आपने यस हिमांशी बिल्कुल यार है हाँ ना बिल्कुल चंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद है ना आप जैसी तो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए हमको चलो है ना एक ही मुझे दीजिएगा आप स्क्रीन तो देख पा रहे होंगे होपफुली है ना सी एस सी टी में आपके नाम का नया अध्याय चालू करते हैं नया फोल्डर चालू कर लेते हैं आज से है ना आज से श्री गणेश करें तो सी एस ई टी मे ट्वेंटी फोर है ना मे ट्वेंटी फोर मिशन लेके चलते हैं ठीक है और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा सी एस सी टी के बारे में करंट अफेयर्स के बारे में है ना सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको ना आज मेन बात बताने वाला हूं कि थोड़ा आप उस चीजों को ज्यादा ध्यान रखना कि आपको एग्जीक्यूटिव में कैसे हेल्प होने वाली है uh, करिश्मा जी इज देर एनी चेंज इन द सिलेबस नो करिश्मा जी देर इज नो चेंज इन द सिलेबस ठीक है लेकिन करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ अपडेट्स आते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा बट आपको टेंशन नहीं है ना मैं, आप मैं आपको कवर अप करवा दूंगा ठीक है मैं आपके नोट्स आपके सामने लेके आ जाऊँ है ना फिर मैं आपको बताता दूँ कि भाई पढ़ने का तरीका क्या रहेगा क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है है ना क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है देखो करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स मतलब आपको है ना करंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ठीक है करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए मतलब आपको बेसिकली क्या करना है ना है ना आपको इस सब्जेक्ट में ना मोहल्ले की आंटी बन जाना है ठीक है आपको ना यहाँ पर क्या करना है मोहल्ले की आंटी बन जाना है तो मेरा काम करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ मोहल्ले की आंटी का क्या रोल होता है ना वो भी आपको समझाना बहुत 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 जरूरी है ना कहाँ गए आपके अपडेटेड वाले नोट जस्ट लेट मी चेक एक मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाए हुए थे ना यही है कि नहीं मेहुल जी आप लेवेंथ में हैं बहुत बढ़िया है ना आप बहुत जल्दी अवैर हो चुके हैं बहुत बढ़िया बात है ये तो हाँ इसके बाद एक और नोट्स मैंने अपडेटेड बनवाए थे ये वाले नहीं है नोट्स कहाँ मिलेंगे चैतन्य गुप्ता चैतन्य गुप्ता मैं आपके ग्रुप पे भिजवा दूंगा है ना आज भिजवा दूंगा चिंता ना करें अब वैभवी जी नहीं सिलेबस में चेंज नहीं है लेकिन करंट अवेयर से तो दो तीन चार महीने में जो अपडेट्स आए नया वाला जो भी बजट आया है, फर्स्ट ऑफ़ को वो सब आपको थोड़ा सा है ना अपडेट रखना पड़ेगा अपने पास देखिए तो भाई देखिए ये ना आपका छोटा सा सिलेबस है ज्यादा बड़ा नहीं है ठीक तो तो है ना थर्टी ट्वेंटी है ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है ना विवेक कुमार विवेक कुमार कह रहे सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर को ही मिल जाते हैं क्या करें है ना हमारा और मेरे वही है ना मेरा ट्रिएटिव है डिफिकल्टी को अपने पास जो है अट्रैक्ट करना हाँ जी श्रेष्ठा जी मैं सीए हूँ है ना अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता दूंगा है ना नोट्स मैं आपको एक बार दिखा दूँ बहुत ही प्यारे से नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हुए है ना एकदम हैंड रिटन फॉर्मेट में मैंने कोशिश की है कि आपके लिए बनाए जाएँ है ना आप आई का मॉड्यूल उठा के देखो काफ़ी जो है ना ना ब्लैक एंड वाइट है है ना लेकिन मैं आपका जीवन रंग बिरंगी बना दूंगा है ना आपको जीवन अगर अपना रंगीन बनाना हो है ना तो आप बिल्कुल इस नोट से पढ़ेंगे है ना और मुझसे पढ़ेंगे क्या बोले यूनिक वाले वैलेंटाइन डे

और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है एंड दैट इज़ योर करेंट अफेयर्स देखो करेंट अफेयर्स क्या होता है आज इतना शुभ दिन है है ना अफेयर्स के बारे में आपको थोड़ा बताना जरूरी है सही बात है कि नहीं बताओ तो सुनेगा है ना अभी कुछ लिखना नहीं है है ना दो मिनट के लिए आप सुन लेना तो भाई देखो है ना अफेयर्स करना मैं आपको सिखाऊंगा है ना अब पूरा हफ्ता ही वही है है ना कि करेंट अफेयर्स करना अपने को सीखना है तो करेंट अफेयर्स में देखो क्या सीखना होता है आपको नॉर्मल नॉलेज तो है ही छोटी बोटी बातें आपको ऑलरेडी पता है है <चारीगा। strec> <आगा। smart> कि अफेयर्स में क्या किया जाता है मुझे बताओ कि आपकी उम्र में अभी अफेयर्स में क्या किया जाता है क्या ये बताने की जरूरत है है ना क्या ये बताने की जरूरत है बताइए है ना ये नोट्स आपके है ना सभी लोग जो पूछ रहे हैं नोट्स कहाँ से मिलेंगे नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे बिल्कुल भी चिंता ना करें ओके है <strec> ना <strec> मुझे बताइए कि अफेयर्स करना मुझे आपको सिखाना पड़ेगा क्या नहीं ना पता है ना आपको कैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे हाई हेलो भेजते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं एक्सेप्ट हो जाती है है ना दो चार दिन हफ्ते भर बात करते हैं फिर नंबर मांग लेते हैं है ना ये एक तरीका होता है है ना ये रैंडम आईडीज़ के लिए ठीक है दूसरा तरीका होता है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं है ना उनसे आप बातचीत करना शुरुआत करते हैं उनसे नहीं कर पाते उनके दोस्तों से करते हैं है ना दोस्तों के दिल में जगह बनाते हैं फिर मेन वाली जो आपका टारगेट है है ना टारगेट एंटिटी का आप नंबर निकालते हैं है ना वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस वगैरह भेजते हैं और वहाँ से आपके अफेयर्स की शुरुआत होती है ठीक है है ना यस निब्बा निब्बी तो ये तो आपके हो गई जीवन के अफेयर्स की बातें लेकिन हम तो यहाँ पर पढ़ना है है ना कि एक मोहल्ले की आंटी क्या करती है बताओ अरे मुझे बताइए कि अगर एक मोहल्ले की आंटी तो उसकी दिनचर्या क्या रहती है अरे मोहल्ले की आंटी सुबह उठती है खाना घर का काम करती है बढ़िया जोरदार ठीक है ग्यारह बारह बजे बार बार तक चलता है उसके बाद खुद खाना वाना खाया है ना फिर टी वगैरह देखी और सो गए है ना तीन चार पाँच बजे आंटी उठती है है तीन चार पाँच बजे उठने के बाद रात का खाना तो लेट बनाना है तो ये तो शाम का टाइम होता है ना मैंने चार से आठ का चार से नौ का तब सारी मोहल्ले की आंटियाँ एक्टिवेट हो जाती है है ना एक्टिवेशन मोड में क्या करती हैं सब आंटियाँ मिलके जो है गार्डन में घूमने जाती है है ना किसी के नहीं बनती होगी तो बालकनी में ही बैठी रहती हैं या घर के चबूतरे पर बैठी रहती हैं और वो देखती रहती है कि भाई मोहल्ले में क्या चल रहा है है ना इसके घर में कौन आया उसके घर में कौन गया है ना किसके पति के साथ जो है दो पत्नी आ रही हैं किसकी पत्नी के यहाँ पर उसका फ्रेंड मिलने आ रहा है ठीक है किसकी लड़की किसके साथ जा रही है है ना किसकी लड़की जो है है ना वो घर से निकल के एक गली तक दूर तक जाती है है ना मुंह में कपड़ा बांध के फिर एक लड़का लेने आता है है ना उसके साथ जा रही है सेम गोज फॉर द बॉयज़ एज वेल है ना तो ये सारी की सारी बातें किसको पहचान नहीं होती है एक आंटी को नहीं होती है मतलब आंटी को जो है पूरी खबर है है ना अपने घर में क्या चल रहा है सामने वाले के घर में क्या चल रहा है है ना कोई दस घर दूर वाला लड़का यहाँ पर आके लड़की से मिलता है तो उस घर का भी पता रहता है है ना साइड वाले मोहल्ले में क्या चलता है सब 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 सारी सारी है ना सारी की सारी बातें आंटी लवर अपने जो है ना अब सर है है ना आंटी लवर्स आंटी के बारे में जो भी आपको डिटेल इफॉर्मेशन चाहिए रहेगी इसके अलावा बाकी एस्पेक्ट्स तो आपको अब्बड सर बता देंगे आप चिंता ना करें है ना शाम को मुलाकात होगी आपकी अब्बड सर से है ना पाँच बजे मुलाकात होगी तो अब्बड सर को आप डिटेल में पूछना है ना आंटियाँ क्या कैसे सर को बहुत एक्सपीरियंस है बहुत है ना ही इज दी ट्रू आंटी लवर दिल से है ना चलिए तो यहाँ पर देखिए जो एक मोहल्ले की आंटी करती है लेकिन मोहल्ले की आंटी का स्कोप बहुत ना कम होता है है ना दो चार गलियाँ ही कवर कर पाती है आंटियाँ और ऑफकोर्स रिलेटिव्स है ना काफ़ी पता कर पाती है ठीक है उसके बाद है ना अभी आपके रिलेटिव्स को पता होगा कि भाई आप अभी सीएस में एंटर हुए हो तो अपने वो दोस्तों को बताएगी है ना आपकी मासीियों को बुआओं को बताएगी है ना कि भाई ये हमारा है ना ये हमारा लड़का है लड़की हमारे पहचान का ये सी कर रहा है है ना वो आपके ऊपर अब आप ट्रैकिंग रखेगी ठीक है आपके घर वाले भले ट्रैकिंग ना रखते हो कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पर क्या कर रहे हो लेकिन आंटी छः छः महीने में रिपोर्ट लेती रहेगी आपसे है ना मई के बाद कॉल आ जाएगा है ना क्या बेटा क्या हुआ रिज़ल्ट का ठीक है नहीं तो फिर जुलाई के बाद आएगा फिर दिसंबर के बाद आएगा अच्छा एग्जीक्यूटिव पेपर दिया था बेटा क्या हुआ है ना तो यहाँ पर ये यह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें है ना आप भले अपना ट्रैक ना रखें लेकिन रिलेटिव आपके ऊपर नजर रखेंगे ओके तो यही चीज़ हमको करनी है लेकिन ये जो चीज़ अपने को करनी है ये अब देश और दुनिया को लेकर करनी है ओके तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है अरे इंडिया में समझिए कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये आपको लिखना नहीं है सिर्फ सुनते ही चलना है आज आपका थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट रहेगा लेकिन सब्जेक्ट क्या है कैसे पढ़ना ये सारी की सारी बात आपको पता चल जाएगी सही बात है ना प्रणव है ना अभी देखो यहाँ पर ट्वेल्थ के बाद भी आपको किसी ना किसी का ना बुआ जी का फूफा जी का आया होगा और बेटा क्या हुआ और कैसे हो स्टार्टे से होता है ना है ना और बेटा कैसे हो सब बढ़िया है ना सब चल रही पड़े है, और क्या रहा रिजल्ट अच्छा एट्टी परसेंट आए वो मेहनत में थोड़ी कमी रहेगी योगी अभी एट्टी परसेंट कम होता है क्या अरे चलो कोई बात नहीं बेटा है ना हमारे बेटे के एट्टी वन परसेंट आए बहुत मेहनत की थी उसने ऐसी वाली बातें हो जाती है है ना और अगर आपके ज्यादा आए होंगे तो भाई जो उनके घर में उनकी ना दिक्कत चली गई होगी सही बात है ना सुनिएगा तो हमने पर क्या बोला आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पॉलिटिक्स में में क्या चल रहा है इंडिया में क्रिकेट में क्या चल रहा है अभी देखो लेटेस्ट वाली न्यूज कल ही अगर आपने देखी होगी है ना कल छे फरवरी की तारीख थी तो इंडिया ने स्टार्ट किया इंडियन एनर्जी वीक देखा था आपने इंडिया ने अभी स्टार्ट किया हुआ है क्या इंडियन एनर्जी वीक आपने थोड़ा बहुत हो सकता है न्यूज में देखा होगा सर हमको तो पता ही नहीं है न्यूज वगैरह क्या होती है कोई बात नहीं बता दूंगा कि आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ठीक है तो इंडियन एनर्जी वीक की स्टार्ट हुई है और कुछ बताइए है ना और कुछ बताइए अगर आपको है ना कुछ आसपास की चीजें पता है पूनम पांडे मर गई ठीक है ये तो हर एक बच्चे को पता होगा है ना हर एक लड़के को पता होगा और लड़को के लड़कों के कारण उनकी लड़कियों को भी पता होगा है ना लड़कों के कारण उनकी लड़कियों को पता होगा अरे जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो लड़का बिचारो उदासी में बैठे हो ना पूनम पांडे मर गई बोले ऐसे कैसे तो लड़की ने पूछा गर्लफ्रेंड ने पूछा क्या हो गया बोले पूनम पांडे मर गई यार अब जो एजुकेशनल वीडियो आया करते थे वो अब नहीं मिल पाएंगे हमको है ना ऐसा तो मुझे बताइए कि पूनम पांडे मर गई है करंट अफेयर्स अरे डिज शी डाय करंट अफेयर्स अरे देखो श्रेष्ठा बोल रही है पूनम पांडे ये हुई ना बात बस यही तो है 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 ना यही तो है मतलब आप भी मोहल्ले की आंटियाँ ही हो लेकिन आपका लेवल ऊपर है थोड़ा सा है ना आप देश दुनिया की खबर रखते हो गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं बेटा एग्जीक्यूटिव में बताएंगे फीस पे करने के बाद ओके ठीक है क्या बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यस वेरी गुड है ना वो प्रयंकर रीति कार्तिक बोल रहा हैं है ना हमारे दो तीन बच्चे बोलते हैं कि यार हमको लगा सर कि वो एकदम सही है ना एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन वाले बोल रहे थे सर हमको सच में लगा कि न्यूज़ सही है तो हमने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए दो चार वीडियोज़ देख लिया रात को ऐसे कैसे चलेगा बताओ क्या बोल कल ही सब्सक्रिप्शन लिया था बहुत शानदार है ना बहुत ही शानदार क्या बोल रहे हैं आज सी फाउंडेशन वालों का रिजल्ट है है ना मैनी मैनी मैनी

ठीक है किसको लेकर यहां पर हमको फैलानी थी न्यूज सर्विकल कैंसर को लेकर हमको अवेयरनेस फैलानी थी क्यों देखो जब फर्स्ट ऑफ फेब को अभी फर्स्ट ऑफ फेब 2024 को बजट आया था पता है आप लोगों को मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑफ फेब 2024 अभी जो है ना बजट आया था सबको बताए है ना तो बजट में हमारी देखो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्या नाम है उनका पे एंड लाइम यस वेरी गुड और यू के जीरो सेवन राइडर धन्यवाद पब्लिसिटी स्टंट था है ना टाइम पास के लिए फेमस होने के लिए व्हाट्सएप के लिंक से रजिस्टर करना है फेल टू गेट ग्रुप इन आ, रहा है. एक बार ऑफिस में कॉल कर लेना प्लीज़ ठीक है या फिर आप वेबसाइट पर जाना वहाँ से व्हाट्सएप पर वापस से ज्वाइन हो जाना कोई दूसरा ग्रुप में आप हो जाओगे ठीक है तो मुझे बताइए कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है ना फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या हमारी है ना हु इज़ थी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया नीमू आंटी है ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ना नीमू आंटी है जिनको आप कहते हैं निर्मला सीतारमन ठीक है ना तो देखो निर्मला सीतारमन ने अब यहां पर एक बजट बजट पेश किया अब क्या होता है निर्मला सीतारमन ने अभी देखिए ऑफ फेब 2024 को तो ये सारी की सारी बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ कुछ बातें आपको एग्जीक्यूटिव में काम में आती है कुछ कुछ बातें आपको प्रोफेशनल में काम में आती है देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि करंट अफेयर्स का जो पुराना वाला सिलेबस था वो काफी यूजलेस इन्होंने बनाया हुआ था अब इन्होंने जब न्यू वाला मॉडिफाई करके रखा है ना छः आठ महीने पहले से तो इसमें उन्होंने काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे भी डाले हैं जो आपका एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में काम में आएंगे तो प्लीज जरा बातों को आप ध्यान से सुनेगा ठीक है इस करेक्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड इज ऑल्सो यूज ये रितु वर्मा वेरी गुड ठीक है बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है ना मैं आपने स्कूल में पढ़ा होगा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है है ना एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें पास्ट के बेसिस पर फ्यूचर के प्रिडिक्शन होते हैं करेक्ट क्या बोल रहे हैं अर्पित प्रजापति कोई बात नहीं सीएस चालू कर लो सी बात बात में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक तो yes. है लेकिन इसके कुछ कुछ हिस्से आते हैं तो कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं यस yes. क्या बोल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, है. आ, पलक डिस्कस करेंगे थोड़ा होल्ड पे रखो स्टेटिस्टिकल डेट ऑफ मनी करेक्ट 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 करिए देखो भाई बजट क्या होता है 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 ना बजट क्या होता है? तो बजट में आपको बताया जाता है कि अगला साल जो आने वाला है अब देखिए अभी यहाँ पर बजट आया था फर्स्ट ऑफ फेब 2024 तो इसमें निर्मला सीतारमन ने बनाया कि जब नया साल चालू होगा नया साल जब कब चालू होगा फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2024 से लेकर ऑफ मार्च 2025 अब यहां पर सरकार कौन कौन से एक्सपेंसेस करने वाली है कौन कौन से खर्चे करने वाली है सरकार के पास इनकम कहां कहां से आने वाली है तो इन सब का एक ब्रीफ दिया जाता है आपके बजट में परफेक्ट है अब देखो यहां पर निर्मला सीतारमन ने एक्चुअली अनाउंसमेंट किया था कि जो भी लड़कियां हैं बिटवीन द एज ऑफ नाइन टू फोर्टीन अगर आपने देखा होगा है ना अगर आपने देखा होगा क्या बात है गौरव चौरिया जी है ना बहुत बहुत बधाइया तो हमने यहाँ पर क्या बोला है ना यहाँ पर जो लड़कियों का एज ग्रुप है किसके बीच में नाइन टू फोर्टीन के बीच में तो इनको ना सर्विकल कैंसर ना हो तो इनकी इंजेक्शन ना फ्री में दी जाएगी टू दी गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ नाइन टू फोर्टीन तो ये निर्मला सही तरह मैंने एक तरह को अनाउंस किया और उसी का फायदा यहाँ पर पूनम पांडे ने उठाया और दो तारीख को न्यूज़ डाल दी कि भाई शी इज डेड तो इस कारण से बहुत पब्लिसिटी हो गई उसकी है ना और लोगों को पहली पहली बार पता चल गया भाई सर्विकल कैंसर नाम की भी कोई चीज़ होती है और इस कारण से है ना ये भी प्रमोशन हो गया मतलब लोगों को पता चल गया कि भाई ऐसी बीमारी से बचने के लिए इंजेक्शन्स लगाने होते हैं तो ऑफकोर्स शी डिड समथिंग जो उसको नहीं करना चाहिए था लेकिन एक तरह से अवेयरनेस तो फैली है ना लोगों को नहीं पता था ये तो सच्ची वाली बात है लोगों को नहीं पता लेकिन इस कारण उसको थोड़ा थोड़ा पता चल गया तो ये आपके आता है करंट अफेयर्स में ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए करेक्ट है समझ आया क्या है ना यस और मुझे बताइए कि और आपने क्या पढ़ के रखा है करंट अफेयर्स में आपको क्या पता है तो इसमें क्रिकेट के बारे में भी आता है है ना अभी इंडिया का किसके साथ मैच चल रहा है है ना कौन जीता कौन हारा वर्ल्ड कप कौन जीता था वगैरह वगैरह ये सारी की सारी बातें हेलो हेलो मैम प्रॉपर्टी के लिए कॉल किया है आ नहीं मैम प्रॉपर्टी नहीं देख रहा हूँ थैंक यू ठीक है चलिए सुनिएगा तो हमने यहाँ पर क्या कहा और हमने यहाँ पर क्या किया नोबल प्राइज मिला है यस वेरी गुड किसको मिलने वाला है नोबल प्राइज है ना नोबल प्राइज किसको मिला है या मिलने वाला है अच्छा आपने एक और चीज देखी होगी भारत रत्न मिलने वाला है ये सब एग्जाम में पूछता है आपने एक और चीज देखी होगी भारत रत्न मिलने वाला है फॉलो बैक कर देंगे ना जिन जिन को फॉलो बैक नहीं किया हुआ है ना लेक्चर के एंड में आज या कल में कर देंगे ठीक है चिंता मत करो आप यस मुझे बताइए भारत रत्न किसको मिलने वाला है सरकार ने नॉमिनेट किया किसका नाम सरकार ने नॉमिनेट किया है किसका नाम पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले ठीक है पाकिस्तान की न्यूज़ आपको नहीं पूछता है इतना भी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को नहीं माना जाता है ना ऑबिच्य नोबल प्राइज अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स मीट्स करेक्ट है और यस फेमस हो गई पब्लिसिटी सेंट से राकेश कर फेमस तो पहले से थी भाई है ना फेमस तो पहले से थी ऐसा थोड़ी है कर्पूरी ठाकुर को कौन सा बोल रहे हो अच्छा ऑर्बिचुरी नोबेल प्राइज अपॉइंटमेंट से ठीक है देखो भारत रत्न किसको मिलने वाला है हैल के आडवाणी नाम सुना आपने लाल कृष्ण आडवाणी है ना एल के आडवाणी नाम सुना आपने लाल कृष्ण आडवाणी इनको मिलने वाला है यस वेरी गुड प्राउड ऑफ यू ठीक है तो ये जो बच्चे थोड़ी थोड़ी न्यूज पढ़ रहे हैं ना इंस्टाग्राम के थ्रू तो ये काम में आती है ये चीजें काम में आती है हंड्रेड आपको आपको काम में आती है ठीक है यस शमी को मिला है रिसेंट क्रिकेट में ठीक है पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री ऐसे तीन टाइप के अवार्ड्स बांटे गए थे उसमें है ना मोहम्मद शमी को भी अवार्ड दिया गया था एकदम करेक्ट बात है ठीक है तो यस देखो यही सब चीज़ें आपकी जो करंट अफेयर्स में आती है परफेक्ट अब करंट अफेयर्स में अपने को पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है ना मैं कौन हूँ है ना आपसे मेरी मुलाकात पहली पहली बार हो रही है तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ ठीक है प्रवीण भाई आप सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आप करंट अफेयर्स में क्या कर रहे हैं अरे जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता था तब आप पढ़ते नहीं थे अभी एग्जीक्यूटिव पहुंच गए तो भाई बताओ करंट अफेयर्स आके देखते हैं ना एल के आडवाणी यस चलिए भाई सुने तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा एकदम क्विक बताता हूँ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा है ना पता होना ज़रूरी नहीं है कि आप किससे पढ़ रहे हो है ना तो यस सी सो माय नेम इज़ सोमिल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अपना सी फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है तो पहले ना सी ए हुआ करता था अभी सी फाउंडेशन है तो दो नंबर में से मुझे सिर्फ वन मार्क्स मिले थे ठीक है तो मेरा ऑल इंडिया रैंक उसमें ट्वेल्थ था ठीक है उसके बाद सी इंटरमीडिएट जो मैंने अपने इंदौर से किया था तो इंदौर में आई वॉज एट्थ रैंकर ओके और फिर सी फाइनल के लिए ना मैं पुणे आ गया था सो वी आर एन एकेमी बेस्ड इन पुणे अगर आपको पता ही होगा तो ठीक है तो जो भी बच्चे अगर पुणे में हैं आसपास के हैं अगर आप फेस टू फेस आना चाहें तो बिल्कुल आप आ सकते हैं और मैंने अगर आपको लगता है ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जा रहा है और घर से आप कंफर्टेबल हो सी एस देखने में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं घर से देखो लेकिन एग्जीक्यूटिव में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हंड्रेड कोशिश करके आपको आना ही चाहिए फेस टू फेस अगर पॉसिबल हो तो ठीक है नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर सी फाइनल तो सी फाइनल देखो मैंने पुणे से करके रखा था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा का सारा सी क्लियर किया हुआ है ठीक है बताते हुए मैंने सच में बहुत प्राउड होता है कि भाई एक अटेम्प्ट में आपने सी निकाल लिया और वो भी बहुत ग्रुप्स ना एक नहीं एक एक करके मैंने कहीं पर भी नहीं दिया था मैंने बहुत ग्रुप्स एक बार में निकाल लिए थे तो मेरी सी की जर्नी अब उसके अलावा देखो सी में तो मैंने एग्जीक्यूटिव निकाला था उसको हो गए पाँच छः सात साल और उसके बाद सी एस प्रोफेसनल देना बच्चा है मुझे लग रहा है कि मैं आप ही के साथ बैठ के दूंगा अब है ना बहुत टाइम से वेटिंग है ना पेंडिंग 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 चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि अब है ना आपको और मेरा नसीब सी बनने का साथ में लिखा हुआ है ठीक है तो ओके सो आई एम ऑलरेडी ए सी है ना सी एस में परस्यू कर रहा था लेकिन बीच में थोड़ा सा भी गैप आ गया तो आप मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे तो अपन साथ में सी कर लेंगे ओके तो ये मेरी है ना प्रोफेशनल कोर्सेस की जर्नी अब यहाँ पर देखो मैं पढ़ाता हूँ मैं सी वालों को पढ़ाता हूँ मैं सी वालों को पढ़ाता हूँ मैं सी वालों को भी पढ़ाता हूँ मेरा जो कोर है वो हायर लेवल्स पर टेक्सीन आ जाता है एंड लोअर लेवल्स पे मैं लॉ एंड आपके लिए खासकर सिर्फ आपके लिए मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ ओके okay. अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं अपने ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट और मैं अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो टेंथ स्टैंडर्ड में मेरे मैथेमेटिक्स में सिर्फ सौ में से सौ नंबर आए थे सिर्फ सो अगेन आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट इन ठीक है तो ये कुछ कुछ मेरे एकेडमिक जर्नी के बारे में है ना कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद है ना एक और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है है ना बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है है ना कुछ बच्चों ने जो पहले जिन्होंने देखा उनको पता है जो क्या हुआ था है ना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो मैंने ट्वेल्थ अपना एम बोर्ड से करके कर रखा है तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हिंदी नाम का जो सब्जेक्ट होता है ना उसमें मुझे सिर्फ़ सिक्सटी मार्क्स दिए थे सौ में से है ना पूनम पांडे की आपको याद आ गई होगी है ना सिर्फ इतने ही मिले थे तो यहाँ पर ना मैंने है ना हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया था है ना मैंने ना एम पी हाई कोर्ट में जाके केस किया था और एम पी हाई कोर्ट में मैंने जाके केस किया था कि भाई मेरी कॉपी को वापस से चेक किया जाए क्योंकि मैंने अपनी कॉपी मंगवाई थी और उसमें बहुत सारा मैंने सही सही लिखा था लेकिन पूरे उन्होंने पेजेस ऐसे 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 कट कर दिए थे तो मैंने बोला ये कौन सी बात हुई यार अरे मैंने कहा कि भाई ये कौन सी बात हुई है ना ये तो कोई बात ही नहीं हुई तो मैंने बोला वापस से रीचेक किया जाए तो अगर आप कभी भी फुर्सत में गूगल पर जाएंगे है ना कभी भी आप फुर्सत में गूगल पर जाइएगा और मेरा नाम डालिएगा है ना नाम को लेकर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा वैसे ठीक है आपको केस लॉ पढ़ाता हूँ केस लॉ पता है आपको केस लॉ क्या होता है है ना सी बनने के बाद आपको ये सब सारी की सारी चीज़ें करनी है है ना आपको सी बनने के बाद ना सारी की सारी चीज़ें करनी है तो देखो है ना आपको गूगल पे जाकर जो है सोमिन मंगलानी डालना है ये इंस्टा पे आपको देखेगा तो ये अपना ऑल इंडिया रैंकर फर्स्ट है अकेडमी का है ना चिराग अग्रवाल था हमारा बंदा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया था एग्जीक्यूटिव में भी प्रोफेशनल में भी ठीक है दोनों टाइम में अपने पास था देन है न यहाँ पर ये कुछ है ना पर्सनल चीज़ें आप चेक कर सकते हो जब आपको फुर्सत हो है ना और ये चीज़ों के लिए तो बच्चों को फुर्सत ही फुर्सत होती है मेरा केस लोग इधर जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो तो दिख ही नहीं रहा है अभी ज़्यादा सचेज ज्यादा हो रहे हैं यस yes, देखो देखा क्या आपको सोमिल मंगलानी वर्सेज दी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो ये मैंने केस किया था दो हज़ार बारह में वैन आई वॉज इन तब मैंने केस करके रखा था जाके कि भाई देखो मुझे ना हिंदी में नंबर बहुत कम मिले और ना मेरे नंबर कृपया करके बढ़ाए जाएँ तो लेकिन हम केस हार गए क्योंकि हमारा जो लॉयर था हमारा जो वकील था थोड़ा सा बेवकूफ़ था है ना उसने कुछ अलग सेक्शन में यहाँ पर जाके केस कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था बट ठीक है पैसा खर्चा हुआ लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अभी दिखता ही है है ना गूगल पे जब भी जाओगे तो मेरे नाम का केस लॉ है ठीक है तो जीवन में कभी आप फंस जाओ तो मेरा केस लॉ रेफर कर लेना ओके क्या बोला हिंदी में मुझे भी कम मिले थे हाँ ठीक है राइटिंग ख़राब होगी फिर आपकी है ना घटिया राइटिंग होगी घटिया मेरी तो बहुत सुंदर हैंड है आपको पता चलेगा धीरे धीरे है ना मेरी हैंड मेरी ड्रॉइंग मतलब माशाला है ना आप इंस्टा स्टोरीज देखेंगे तो समझ जाएंगे है ना मैंने एक्टिवा नाइन्थ जनरेशन लॉन्च किया आज ही है ना आज मैंने एक्टिव की नाइन जनरेशन लॉन्च किया आप जाके देखो इंस्टा पे आपको समझेगा ओके तो ये देखो ये कुछ कुछ चीज़ें मेरे बारे में ठीक है बाकी देखो शेर शेरो शायरी में करता रहता हूँ गाने वाने गा लेते हैं ना थोड़े बहुत गिटार वगैरह बजा देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ना पढ़ा अच्छा लेते हैं ऐसा लोग बोलते हैं बाकी आपको डिसाइड कर लेना ठीक है चलिए है ना दो हज़ार बारह में दुनिया तबाह नहीं हुई थी क्या उसी चक्कर में तो नंबर कम मिल गया मुझे ओके हंड्रेड किसू जंगला जी करिए क्लियर करवा देना देखो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा दस दिन के बाद है ना कि सी एस ई टी कैसे देना होता है तो आपको ध्यान से सुनना है आपको समझ में आ जाएगा कैसे देना होता है क्या बोले क्या बात है हिंदी में 93 आते हैं बहुत बढ़िया है ना फॉलो बैक सबको दे देंगे है ना लास्ट में दे देंगे अभी मुद्दे पर आए सुनो अब देखो जो आपका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स नाम का इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होता है तो ये नोट्स आपके मैं व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा रात तक है ना कवर पेज एक चेंज करवाना पड़ेगा तो कल तक भिजवा दूंगा मैं आपके लिए ठीक है और ये आपने तो देखने होंगे है ना अपने ये रैंकर्स हैं सारे के सारे है ना ये एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के रैंकर्स हैं सी ए सी टी में रैंक आता नहीं है है ना आ रहा होता तो आपका भी फोटो यहाँ पर दिख सकता था बट दिस वी हैव इन द पास्ट चिराग अग्रवाल वैष्णवी स्वाति है ना सोनिया राकेश तो ऑल इंडिया रैंक वन टू थ्री सिक्स सेवन नाइन टेन एलेवन है ना और इसमें आपका भी यहाँ पर आएगा फ़ोटो है ना मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ है ना मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप तो टॉपर निकले हाँ थोड़े मेहनती हैं है ना बाकी क्या नंबर फिर अच्छे आ जाते थे ठीक है भाई चलिए सुनेगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास वापस बता दूँ कि इस करंट अफेयर्स नाम के सब्जेक्ट में आपके पास ये मात्र पाँच चैप्टर्स हैं इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स है फाइनेंशियल अफेयर्स दो दिन में खत्म हो जाता है पॉलिटिकल अफेयर्स सबसे ज़्यादा यही टाइम खाएगा लीगल एंड अदर अफेयर्स ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको चार पाँच दिन लगते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी इसको भी पाँच छः दिन लगते हैं ओके तो मान के चलिए कि आज तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ ठीक है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में ना मुझे लगभग लगभग थर्टी डेज लगते हैं सिर्फ थर्टी डेज़ मैक्सिमम तीस दिन में आपको फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट्स पढ़ाऊंगा इसके लिए बहुत हो गए मैंने आपके यहाँ पे थर्टी डेज में कंप्लीट हो जाता है तो अपने को क्या क्या पढ़ना होता है क्या क्या अलग से रेफर करना होता है ये बहुत ध्यान सुनना बहुत बहुत जरूरी है ओके तो ध्यान सुनना प्लीज़ सबसे पहला मुद्दा आपको ना आई ने मॉड्यूल देख रखा है लेकिन मॉड्यूल ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज इतना अच्छा नहीं दिखता बच्चों को तो आपको आई आई मॉड्यूल नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना मैंने जो मॉड्यूल के अच्छे अच्छी चीजें हैं जो आपके काम की चीजें हैं जो मुझे समराइज करना था अच्छे से जो सजा के डालना था आपके लिए समराइज करने के लिए वो सारे का सारे मैंने डाल के रखा है तो पहले आपको रेफर करना है क्लास के नोट्स ओके okay? फिर सेकेंड वाला मुद्दा आपके लिए रहता है देर आर समथिंग कॉल्ड एज ई बुलेटिन अब ये ई e बुलेटिन क्या होता है मैं आपको पांच मिनट के बाद दिखा दूंगा कि ई बुलेटिन आर दी मंथली अपडेट्स क्योंकि देखो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है ओल्ड अफेयर्स है ना आपके सब्जेक्ट का नाम क्या बताइए ओल्ड अफेयर्स नाम है क्या ओल्ड अफेयर्स है आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है ओल्ड अफेयर्स नाम है क्या नहीं करंट अफेयर्स नाम है ना ठीक है तो देखो मॉड्यूल इन्होंने कुछ महीने पहले निकाल के रखी थी तो फिर ये क्या करते हैं हर महीने का एक अपडेट देते हैं है ना जनवरी 2024 फेब 2024 हजार है ना मार्च अप्रैल में तो ऐसे आपको अपडेट्स आते रहेंगे मतलब एक तरह की मैगजीन है मंथली मैगजीन है जो आपको रेफर करनी है तो ये भी मैं करवाऊंगा लेकिन कब है ना जब ये आपका सिलेबस एंड हो रहा होगा तब ना जब आपका सिलेबस एंड होगा ना तब अपन कर लेंगे ज़्यादा नहीं दो तीन घंटे में सारे के सारे हो जाते हैं परफेक्ट है देन नेक्स्ट आप देखिएगा आपको यहाँ पर एम करवाए जाएंगे एम कौन से वाले तो आई ने थ्री फिफ्टी आपको देकर रखे हैं और वो थ्री फिफ्टी हम लोग करेंगे और आई की बुकलेट दी हुई है वो वाला हम लोग करेंगे उसके अलावा मैं क्या करूँगा आपका ना मैं चैप्टर वाइज टेस्ट करवाऊंगा ऑनलाइन ठीक है आपका चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे हम लोग ऑनलाइन है ना इस वीक से नहीं तो अगले वीक से पूरे वीक में आपने जो भी पोर्शन पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी पोर्शन पढ़ के रखा है अपन उसको सैटरडे का टेस्ट रखेंगे है ना ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे है ना स्क्रीन पर रहेगा है ना एम सी रहेगा कौन बनेगा करोड़पति जैसे रहेगा आपको बहुत मजा आएगा कंपलसरी आपको अटेंड करना है ओके इस बारे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपके देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते रहेंगे ठीक है देन उसके बाद ये जो सिलेबस है मैं मल्टीपल टाइम्स आपको रिविजन करवाऊंगा और लास्ट में अपना मैराथन भी होता है मैराथन मतलब क्या होता है एक सात आठ घंटे आपको बैठना पड़ता है और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आठ घंटे में हो जाता है तो जब भी आपको बार 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 रिवाइज करना होता है तो आप सिर्फ मैराथन देख के भी रिवाइज कर सकते हो ओके तो ये सारी की सारी चीजें अपने को करंट अफेयर्स में करनी है तो ये सारी की सारी बातें हो जो अपने को बुक से पढ़नी है या जो मैंने नोट्स दिए हैं या फिर जो आईसीआई ने इशू किया है लेकिन क्या आपको भी अलग से कुछ अपडेट करना पड़ेगा तो आंसर इज यस क्योंकि भाई देखो करंट अफेयर्स है तो आपको देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए ना अब किताबों में तो छप गया छप गया लेकिन आजकल क्या हो रहा है ये भी आपको बताना चाहिए जैसे आप इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे थे है ना कि भारत रत्न किसको मिलने वाला है मोहम्मद शमी ने यहाँ पर अवार्ड जीता है ना इंडियन एनर्जी वीक की बात हो गई ओके आ, फिर आपका देखो जी ट्वेंटी वगैरह वगैरह भी इंडिया में हुआ था तो ऐसी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि रेगुलर अपडेट्स कहाँ से पढ़ने हैं तो देखो इसके अलावा आपको ना कुछ न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है ओके okay, अभी न्यूज एप्लीकेशन क्या है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सी इन शॉर्ट्स है ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सी इन शॉर्ट्स है ना ऐसा आपका एप्लीकेशन है मैं आपको दिखा देता हूं अभी इन शॉर्ट्स क्या है तो न्यूज इन शॉर्ट्स आती है है ना ये इन शॉर्ट्स क्या है तो ये आपकी न्यूज इन शॉर्ट्स आती है बोले तो क्या देखो एक बार है ना देखो एक बार देखो एक बार ये है देखो ये एप्लीकेशन इन शॉर्ट्स देख पा रहे हो आप स्क्रीन में देखिए है यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है ना आपको दिया गया है आनंद महिंद्रा जी के बारे में कुछ उन्होंने बोला था ये सब चीज़ें नहीं देखनी होती ना मेकअप में क्या खरीदना है है ना क्या नहीं ख़रीदना है क्या क्या काम की ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है ठीक है लेकिन ये चीज़ें आपकी काम की है ठीक है है ना ये डिस्प्यूट वाली चीज़ें नहीं आती है एक्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं आती है है ना किसका किसके साथ अफेयर कर रहा है किसने दूसरी शादी की किसने तीसरा बच्चा किया है ना किसका पति जो है है ना जॉगिंग करते करते शादी करने के लिए पहुँचा तो ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं आती है ठीक है ये होम लोन वगैरह ये नहीं आता है है ना ये सब बॉलीवुड वॉलीवुड की न्यूज़ ये सब नहीं आती है आई सोल माई फेरारी मूव आउट ऑफ बंगलो अपने क्या करना है इससे हाँ शार्क टेंक इंडिया मतलब ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में नहीं आता है लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें ना जो आपके लाइफ में आपको बहुत काम में आएगी और इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें आती है तो जितना भी आप टाइम पास करते होगा ना उसमें से प्लीज़ ऐसे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें देखा करो है ना शार्क टेंक इंडिया देखा करो बिग बॉस में देखा करो है ना शार्क टेंक इंडिया ऐसी चीज़ देखा करो तो ऐसे आप क्या करो दो तीन न्यूज़ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो इन शॉर्ट्स तो आप डेली पढ़ लिया करो एक दिन के पाँच दस मिनट निकाल लिया करो है इन शॉर्ट्स आप पढ़ा करो ठीक है राम मंदिर अयोध्या का जो अभी जो है ना प्राण प्रतिष्ठान हुआ था बाईस तारीख को बाईस जनवरी को ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए ओके आ, तो एक इकोनॉमिक टाइम्स कर लो है ना टाइम्स ऑफ इंडिया कर लो इन शॉर्ट्स कर लो एंड ज़्यादा नहीं आपने इसको दस दस मिनट भी ऐसे पलटा लिया ना सिर्फ और सिर्फ आपने हेडिंग्स भी देख ली तो भी चलेगा ओके तो एक तो आपको ये करना है उसके अलावा मुझे बताइए कि आप लोग कितना टाइम बिताते हैं इंस्टा पे एक बार ईमानदारी से बताइएगा प्लीज है इंस्टा स्क्रॉलिंग में स्नैपचैट में दिन भर में ठीक या फिर आपकी और थोड़ी हाई लेवल एप्लीकेशन होंगी तो मुझे बताइए कि आप इसमें कितना टाइम बिताते हैं डाउनलोड भी कर लिया बहुत बढ़िया और ये करना है कंपलसरी ये करना है कंपलसरी अरे बताइए कितना टाइम आपका जाता होगा ईमानदारी से बताना है ईमानदारी से अरे दिन भर में कितनी स्क्रॉलिंग करते हो कितना टाइम पास करते हो तीन चार घंटे चार घंटे क्या बात कर रहे हो दो तीन घंटे चार छः घंटे भाई क्या कर रहे हो आप ये क्या बोल रहे हैं वैभव जी आई एम फर्टी नाइन इज इट टू लेट टू परस्यू सी एस वैभव जी बिल्कुल नहीं हंड्रेड परसेंट आप कर सकते हो ना टू टू थ्री ईयर्स आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बट यू कैन ईजिली डू दिस और वैभव जी आपका ग्रेजुएशन अगर हो चुका होगा तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में भी जा सकते हो और एक बार आप ऑफिस में कॉल करेंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे या उन्हें डिलीट कर देती हूँ तीन से चार घंटे यार पाँच घंटे यार दो घंटे छः घंटे यार प्रणव यार क्या कर रहे हो मैं ना गर्लफ्रेंड नहीं है क्या आपकी छः छः घंटे इंस्टाग्रॉम चलाता है हाँ चलो भाई सुनो है ना पूरा दिन अर्पित कर कराए यार अर्पित ऐसे कैसे चलेगा तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ और मैं आपको एडवाइस देता हूँ एडवाइस माननी है नहीं माननी है आपके ऊपर है लेकिन बहुत ही मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ जो हंड्रेड परसेंट आपके काम में आएगी सुनोगे आप प्लीज़ ध्यान से है ना ज़रा अभी पाँच मिनट फोकस कर लेना ना पांच मिनट फोकस कर लेना यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के डाउट्स ना पूछ के नोट्स कहाँ से मिलेंगे क्या होगा कैसे होगा सब 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 आपको बता देंगे है ना एक पांच मिनट फोकस कर लेना प्लीज देखो आपके पेपर्स कब है आपकी एग्जाम की डेट आ गई है क्या लेट मी चेक मे में आपके एग्जाम्स है ना तो एक एग्जैक्ट डेट निकाल लेते हैं अगर आ गई होगी तो जस्ट लेट मी check हाँ सी एस जनवरी छः को हुआ था मे चार मे 2024 अभी मुझे दिख रहा है ठीक गूगल मैंने एक रफ सर्च मारा हुआ है तो मुझे ना फोर्थ ऑफ मे 2024 कि क्या आपके सी एस के एग्ज़ाम की डेट दिख रही है ठीक है परफेक्ट है फोर्थ ऑफ मे है यस प्लीज़ अब ध्यान थोड़ी मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूँ आज आपकी तारीख है सेवन्थ ऑफ फेब और आपकी तारीख है सेवन ऑफ फेब और आपके एग्जाम है फोर्थ ऑफ मे तक ओके okay? अब देखो आपका जो सारे सब्जेक्ट चलते रहेंगे वो मान के चलिए एक मैं रफली आपको अंदाजा दे रहा हूँ है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक आपका सिलेबस चलता रहेगा सर क्या सिलेबस इतना बड़ा है आंसर इज़ नो मैंने क्या सिलेबस इतना बड़ा है आंसर इज़ नो मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मेरा सिलेबस दस मार्च तक एक बार हो जाता है पाँच अप्रैल तक वापस हो जाता है पच्चीस अप्रैल तक वापस हो जाता है ठीक है कहने का मतलब सी को इतना टाइम देना बनता ही नहीं है जितना आईसीआई ने देखे रखा है अगर इतना टाइम देना ही होता तो मुझे बताओ कि नवंबर वालों को क्यों बोलते जैन में एग्जाम दे दो मतलब देखो नवंबर आता है जैन आता है मई आता है है ना फिर जुलाई आता है फिर नवंबर आता है ना तो अगर सी को इतना इतना टाइम देना होता बोर्ड्स भी है बीच में ठीक है ना जिनके बोर्ड्स वाला सिस्टम है उनके तो दिक्कत ही नहीं है जिनका बोर्ड्स का सिस्टम उनके लिए दिक्कत ही नहीं है ना क्योंकि कई बच्चे उसके बाद आते हैं मैं आपको वही समझा रहा हूँ देखो क्या होता है है ना मैं ये करंट अफेयर्स एक बार पढ़ाऊँगा फिर दस मार्च वगैरह के बाद ये वापस पढ़ाऊंगा फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद और बच्चे ज्वाइन होंगे तो मैं ये सिलेबस आपको कम से कम तीन बार तो मैं रेगुलर पढ़ाऊँगा फिर मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा दो बार मैराथन कराऊंगा क्वेश्चन सॉल्विंग करवाऊंगा एम सी करवाऊंगा है ना सब 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 मतलब अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें तो आप करंट अफेयर्स कम से कम सात से आठ बार पढ़ चुके होंगे ओके और एक्चुअली सी एस सी टी में इतने नंबर ऑफ़ डेज़ देने की जरूरत ही नहीं है तीस से चालीस दिन बहुत हो जाते हैं ओके okay? अगर ऐसा नहीं होना था तो नवंबर के बाद जनवरी क्यों आता था मई के बाद जुलाई क्यों आता था सही बात है ना करेक्ट है तो मैं इसलिए बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप ना करेंट अफेयर्स को जितना भी आप जितना भी सी एस सी टी को टाइम दे रहे हो कहाँ से लेकर कहाँ तक देते हो और ट्वेल्व थर्टी से लेकर मान के चलो छः बजे तक आपकी क्लासेज हैं ठीक है जिनके ट्वेल्थ बोर्ड चल रहे हैं वो तो ऑफकोर्स ट्वेल्थ बोर्ड पर फोकस करेंगे हाँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन जिनके ट्वेल्थ बोर्ड वगैरह नहीं है या फिर जो बच्चे पहले सीएसई टी कर चुके हैं या जिनका ग्रेजुएशन चल रहा हो या वगैरह वगैरह जिनका गैप हो गया हो है ना आपको मेरी तरफ से ऐसी एडवाइस रहेगी कि आप सी एस एग्जीटिव स्टार्ट कर सकते हो आज इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना है मैं आपको एक बता के रखता हूँ आप थोड़ा एक हफ्ता पढ़ोगे ना तो ये बस बात ध्यान में रखना अगर आपको लगता है कि नहीं यार सी एस बहुत ईजी है इसके अलावा और भी कुछ किया जा सकता है तो आपने हंड्रेड परसेंट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर देना ठीक कैसे करना होता है ध्यान सुनो आप सी एस ई टी का एग्ज़ाम देंगे मे में, में। ठीक है फिर आप जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देंगे एग्जीक्यूटिव मतलब आपकी सेकेंड स्टेज हो गई ठीक है जिसमें आपके सात पेपर होते हैं और ये आपका 21 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम डेट होता है तो बेसिकली मे से लेकर नवंबर तक है दिसंबर तक है ना मई से लेकर आपका दिसंबर तक यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की क्लासेस आपकी चलती है तो उसमें दो ग्रुप होते हैं दो मॉड्यूल्स होती हैं आप चाहे तो एक एक करके भी दे सकते हो या फिर आप दोनों भी दे सकते हो आपकी इच्छा के ऊपर होता है ठीक है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सी एस में छह घंटे दे दिए ठीक है आपने सोने के चलो आप अच्छा खासा भी सो लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आठ घंटे दे दिए तो आपके रहते हैं फोर्टीन आवर्स ठीक है आपने सी एस को रिवाइज करने के लिए दो घंटे दे दिए बहुत हो गए वरना प्लस टू आवर्स आपके हो गए सिक्सटीन आवर्स ठीक है अदर एक्टिविटीज़ टाइम पास को आप दे दो है ना अदर एक्टिविटीज जो आपका टाइम पास रहेगा दिन भर में ठीक है उसको मैं मान के चलता हूँ तीन घंटे आप देते हो उसमें खाना पीना नहाना सब इंक्लूडेड तो भी बचते हैं आपके पाँच घंटे तो ये पाँच घंटे अगर पॉसिबल हो तो आप एग्जीक्यूटिव को दे सकते हो है ना एक या दो सब्जेक्ट्स आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो है ना लाइव करना है लाइव कर सकते हो रिकॉर्डेड करना रिकॉर्डेड कर सकते हो लेकिन अगर आपने एक या दो सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ लिए तो आपके लिए जो डिसम्बर का टारगेट रहेगा ना वो बहुत 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 ईजी हो जाता है ठीक है इसको लेकर वैसे अलग से मीटिंग होगी है ना इसको लेकर लेकिन अलग से मीटिंग होगी मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे करना होता है लेकिन आपने एक बात ये दिमाग में रखना कि यार सी एस इतना ईजी है अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो आपका एक महीने बहुत हो गया है ना एक महीने में आराम से हो जाता है है ना कई बच्चे आखिरी पंद्रह दिन में ज्वाइन करते हैं कोई बीस दिन में ज्वाइन करता है कोई तीस दिन में ज्वाइन करता है तो बच्चे की ग्रास्पिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है लेकिन कई बच्चे होते हैं कि जिनको ना बहुत ईजी लगता है उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है तो वो बच्चे क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो हंड्रेड परसेंट आपको एक्जीक्यूटिव स्टार्ट कर देना चाहिए आज नहीं एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई मैनेज हो रहा है ना आपको लग रहा है ठीक है मैनेज हो रहा है ना ये सी ए के लिए इतना टाइम दे रहे हैं दो घंटे रिवीज़ हो गया आठ घंटे सो लिया टाइम पास आठ आठ घंटे यार इंस्टाग्राम पर कोई सेंस नहीं है मतलब तीन घंटे चार घंटे छः घंटे आप इंस्टा चला रहे हो कुछ तो नहीं मिल रहा है ना आपको उससे कुछ आउटपुट तो नहीं आ रहा है ना लेकिन अगर आपने यही देखो अब मुद्दा कैसा है कि आप लाइफ के इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपको ना सेल्फ डिसिप्लिन बनना रहेगा थोड़ा सा ये है ना सीरियस होकर सुनना अभी जो ट्वेल्थ तक की जर्नी रहती है ना इसमें सब डिसाइडेड रहता है है ना यूनिट टेस्ट होगा है ना प्री बोर्ड होगा बोर्ड होगा आपका बोर्ड एग्जाम होगा क्वार्टरली हाफ एर्ली जो भी रहेगा तो ट्वेल्थ तक की आपकी जर्नी डिफाइंड रहती है है ना आपके टीचर्स आपके साथ है ना पूरा दिन भर दिन भर स्कूल में रहते हैं है ना ट्यूशन्स में रहते हैं घर वाले आपको जो है बहुत है ना संभाल संभाल के रखते हैं लेकिन ट्वेल्थ के बाद जो है है ना ट्वेल्थ के बाद जो है आपको बहुत सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना पड़ता है है ना खुद के लिए आपको बहुत मेहनत डालनी पड़ती है क्योंकि बिलीव मी ये जो आपके सिक्सटीन सेवनटीन की एज है और अगले दो तीन चार साल आप कैसे निकालते हो ना ये आपकी जवानी और आगे की पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड करती है कई बच्चे क्या करते हैं कि ये चार पांच साल में बहुत तो ना यहाँ वहां ध्यान चले जाता है डिस्ट्रेक्शन चले जाते हैं तो उसके बाद आगे वाले जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो इसलिए मैं आपको राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ये गाइडेंस दे रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट विद द एग्जीक्यूटिव हंड्रेड परसेंट ठीक है एब्रोपोल देखो कह रहा है कि आपने जैसे बोला था चीटिंग नहीं करनी है मैंने वैसे नहीं किया और मैं पास हो गया बहुत बढ़िया ये चीटिंग नहीं करने के टिप्स मैं सबको दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम रुकने के बाद तो बात समझ में आ रही है क्या हाँ जी है ना अब आई एम एन जी पूछ रहे हैं सीएस एक्टिव नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हो है ना डिसम्बर 2024 या जून 25 या डिसंबर 25 जब आपकी इच्छा हो आप तब तब कर सकते हो है ना एक एक ग्रुप आप दे सकते हो है ना बोथ भी दे सकते हो स्तुति बोल रही है कि एक और बोथ में क्या डिफरेंस होता है एक ग्रुप में चार या तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे बोथ में पूरे के पूरे सेवन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और अगर आपको ऑल इंडिया रैंक के लिए टारगेट करना है एग्जीक्यूटिव में जो आता है तो फिर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको हेल्प होगी है ना तो ये कुछ कुछ बातें होती है जो एग्जीक्यूटिव को लेकर आपको ध्यान में रखनी होती है है ना काफी बच्चों को पता नहीं होता है काफी लोग इसका स्टार्टिंग में गाइडेंस नहीं देते हैं लेकिन जो भी मे बैच होती है नवंबर बैच होती है उनके पास टाइम ज्यादा बचता है तो मैं तो भाई पर्सनली यहाँ पर एडवाइस करता हूं कि हंड्रेड आपके पास जब टाइम बचे आपको लगता है हम कंफर्टेबल पोजिशन पे हैं तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर देना चाहिए ज़्यादा नहीं दिन के दो घंटे तो दे सकते हो ना आप मुझे बताइए कि अगर आपने दिन के दो 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 घंटे भी दिए है ना तो भी बस हो गया ना उतना तो आप निकाल ही सकते हो सही बात है है ना आयुष्य है उसके भी डिस्कस करेंगे चिंता ना करो ओके okay? अगर चार मई को क्लियर हो गया तो कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए वो मैं आपको है ना डिटेल में बताऊँगा किसको हम अलग से एक मीटिंग ले लेंगे है ना मोदी सर अब्बर सर को भी बोल दूंगा हम तीनों मिलकर मीटिंग ले लेंगे आप चिंता ना करो क्लियर है लेकिन एक ही बेसिक बात समझ में आई क्या परफेक्ट है तो ये प्लीज़ प्लानिंग को बैक ऑफ द माइंड रखना आपको लगता है अगर इसके लिए जाना चाहिए तो 100 परसेंट आपको आपको 100 परसेंट इसके लिए जाना चाहिए जब आपको लगे कि तब

तो जैन के पहले वाला जो ई बुलेटिन था वो सारा का सारा है ना पढ़ के हो गया है उस पर क्वेश्चन भी आ गए अभी देखो ये आपका होता है ई बुलेटिन आप गूगल पर डालो आपको मिल जाएगा तो आप देखो जनवरी टू लेटेस्ट वाला आया हुआ है ना अजीम भाई ना ऐसा कुछ भी नहीं है देखो ई बुलेटिन क्या होता है एक बार ध्यान में रख लेना ये अपन करेंगे जब आपका है ना सिलेबस खत्म हो रहा होगा तब है ना एकदम लास्ट में ज्यादा नहीं दो तीन दिन इसको दो तीन घंटे इसको देने पड़ते हैं ज्यादा नहीं देने पड़ते हैं देखिये तो ये आपका होता है ई बुलेटिन है ना एस आई इसको इशू करती है Uh, इसमें ये सब दिया जाता है ना मैसेज फ्रॉम प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी एट बिजनेस रिपोर्ट करेंट अफेयर्स देन ग्लोबल हार्बनाइजेशन ऑफ आई पी आर एंड सैम्पल क्वेश्चन ठीक है तो इसमें मेरा जो रोल आता है वो मेरा रोल आता है करंट अफेयर्स में और करंट अफेयर्स आप देखो दस ग्यारह बारह दो तीन पेज के दिए रहते हैं है ना बस दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन, तीन पेजेस के दिए रहते हैं ठीक है समझ आए ना तो ये क्या होता है आपका भाई है ना ये होता है आपका ई बुलेटिन तो ऐसे चार पांच महीने का आ जाएगा दो दो, दो तीन तीन पेज पढ़ने पंद्रह पेज आपके दो तीन घंटे में आराम से हो जाते हैं ठीक है तो एक बेसिक आइडिया आपको आ गया क्या इफ यू गेट फेल वन देन वाई यू कैन गिव एग्जीक्यूटिव अगेन हाँ जी अगर आप एग्जीक्यूटिव में पास नहीं हो पाते तो वापस दे सकते हैं मैंने एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स हर छः छह महीने में दो बार होते हैं मैंने जून डिसंबर जून डिसंबर जून डिसम्बर है ना तब आप दे सकते हैं बट बिलीव मी सी एस ऐसी स्टेज नहीं है कि आप इसमें टाइम लगाएं सी एस ऐसी स्टेज है कि यार फटाफट से निकालो और आगे बढ़ो है ना हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट क्या बोल रहे हैं कोलकाता कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं बहुत अकेडमिक स्ट्रेस है देखो जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मैं उनके लिए बोल ही नहीं रहा हूँ है ना जिनको ऑलरेडी कॉलेजेस है ना ट्वेल्थ चल रहा है लेकिन जिनके पास टाइम है जो टाइम दे सकते हैं दे शुड डेफिनेटली स्टार्ट है ना क्योंकि बाकी दुनिया चालू करेगी मे में और आप जो बच्चे मे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप सोचो कि आप मिड फैब या फिर आप मार्च में स्टार्ट कर चुके हो गे. तो मार्च अप्रैल ढाई महीने आप पहले स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कोर्स भी जल्दी हो जाएगा ना ज्यादा रिजन का टाइम मिलेगा ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये बस आप बैक द बैक ऑफ द माइंड रख लेना ठीक है ट्वेल्थ के परसेंटेज मैटर करते हैं फिफ्टी फिफ्टी फाइव मिनिमम लगते हैं ठीक है उत्कर्ष लेवेंथ में आप एग्जाम दे सकते हैं क्या एक बार मैं गाइडलाइंस चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा है ना ट्वेल्थ के बाद तो हंड्रेड परसेंट दे सकते हैं क्योंकि बीच में कुछ कुछ चेंजेस आए थे नहीं है ना कीर्ति जी संडे को लेक्चर नहीं होते है ना संडे को हम आपको आराम देंगे आप बिल्कुल चिंता ना करो सी ए में इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं होती है लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं संडे लेक्चर्स ना रखें कोशिश करके हम मैंने डेज पर रखते हैं अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी आ गई तो संडे रखना पड़ता है अदरवाइज नहीं अदरवाइज शेल्ट चलता है क्या बोल रहे हैं साहिल है ना साहिल नागपाल स्वागत है आपका चलिए भाई तो मेरी बातें समझ में आई आज मैंने जो जो बताया आपको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आया मेरे बारे में समझ में आया आगे थोड़ा सा क्या करना है वो समझ में आया न्यूज़ एप्लीकेशन कौन सी देखनी है वो समझ में आया है ना और इंस्टाग्राम अगर आप स्क्रॉल करते भी हो तो उसमें थोड़े न्यूज़ वाले जो एप्लीकेशन आपके पेजेस रहेंगे ना उसको आप प्लीज सब्सक्राइब करके रख देना फॉलो करके रख देना तो वहाँ से भी आपको काफी सारी न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी ओके सी एस साथ सी एस एक साथ कैसे मैनेज करें मैं उसके लिए अलग से थोड़ा बात करनी पड़ेगी टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा यस बी कॉम और सी साथ में हो जाता है बहुत ईजी रहता है ना बिल्कुल लोड वाली बात नहीं है चलो भाई तो आज का वक्त यहाँ पर मेरा समाप्त होता है ठीक है तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया है ना और प्लीज डेली लेक्चर्स अटेंड करेंगे लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे अच्छा आप सभी के लिए एक टास्क है हाँ टास्क अगर आपने अच्छे से किया तो कल से मैं शायरी सुनाऊंगा नहीं तो मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा टास्क आपके लिए ये है कि रिसेंट दो हफ्तों में जो अच्छे अच्छे करेंट टॉपिक्स आपको मिलते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है मैं चेक करूंगा कि भाई कौन से बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं ठीक है फिर उनको गिफ्ट हम दिलवाएंगे अकेडमी से अगर आपने प्रॉपरली कमेंट्स किए तो ठीक है तो समझो कि है ना दो सौ बच्चे करीब करीब अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड सौ दो सौ बच्चे और देख लेंगे तो कम से कम वन फिफ्टी टू हंड्रेड कमेंट्स आपको दिखने चाहिए तो आपको दो कमेंट करना है एक करंट अफेयर्स के बारे में है ना जो भी आपके ध्यान में है या आप रिसर्च करके भी, कर, कर भी डाल सकते हो एंड सेकेंड आपको आज का लेक्चर कैसे लगा आपको बताना है देखो मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा ना शेयर मार्केट के बारे में करेंगे म्यूचुअल फंडस के बारे में करेंगे देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो उसके बारे में करेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी वगैरह 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 इससे दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं ठीक है तो आपको बहुत मजा आने वाला है लेकिन अगर आप लाइव अटेंड करेंगे तो ओके चलिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हर हम मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम पे अभी नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है पुष्कर सर आपसे मुलाकात करेंगे बाय थैंक यू और लाइक और कमेंट करना ना भूलें कंपल्सरी कंजूसी नहीं करनी इस मामले में ओके चलिए बाय